भूले बिसरे किस्सों की बारात लिए, यादों और तरानों को साथ लिए, मैं अनु कपूर एक बार फिर हाजिर हूं आपके फेवरेट रेडियो चैनल 92.7 बिग एफएम पर, सुहाना सफर विद अनु कपूर। मेरे मेहरबान दोस्तों, कोशिश करूंगा कि आपका आज का ये सफर भी सुहाना रहे, अगले दो घंटे आपका मन लगा रहे, वक्त कट जाए, मजा आ जाए। आज के सफर को सुहाना बनाने के लिए जो स्टोरीज आपके लिए लाया हूं, सबसे पहले उनसे एक छोटी सी मुलाकात। आज की पहली स्टोरी होगी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की। जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करने का ख्वाब लिए बॉम्बे आए और एक दिन दिलीप कुमार उनके सामने आ गए, तो फिर क्या हुआ। दूसरी स्टोरी होगी राजेश खन्ना की। वो कौन सा फिल्म डायरेक्टर था जिसने राजेश खन्ना से कह दिया, काका यू आर फिनिश्ड। फिर एक स्टोरी होगी विलन रंजीत की। उनके नेगेटिव रोल्स की वजह से उनकी इमेज इतनी खराब हो गई थी कि एक डॉक्टर ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया। दिल ने फिर याद किया सेगमेंट में याद करेंगे एक्टर और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ को। और प्रोग्राम के आखिर में श्रोता के सवाल के जवाब में बताऊंगा कि क्या डैनी डेंगजोंगपा एक्टर होने के साथ साथ सिंगर भी थे। तो जनाब, इन सब दास्तानों से सजी है आज की ये महफिल। अपने दिन को सुहाना बनाने के लिए निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अमिताभ बच्चन पहली बार मुंबई आए, वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तभी सामने से आ गए दिलीप कुमार, कुछ लोगों के साथ एंटर हुए उस रेस्टोरेंट में। अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने फेवरेट स्टार से ऑटोग्राफ लिया जाए। भागकर पास के स्टोर में गए और एक ऑटोग्राफ बुक लेकर दौड़ते हुए वापस आ गए। हाथ में ऑटोग्राफ बुक लिए वो दिलीप कुमार के पास खड़े हो गए, मगर दिलीप कुमार उस वक्त लोगों में बहुत मसरूफ थे। अमिताभ बच्चन ने सोचा, इतने बड़े स्टार को कैसे अप्रोच करूं, इसलिए वो वहीं खड़े दिलीप कुमार के थोड़ा फ्री होने का इंतजार करने लगे। मन में लड्डू फूट रहे थे, बहुत खुश थे कि आज वो इतने बड़े स्टार से मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, मगर उनका ये इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। और कुछ घंटों के बाद जब दिलीप कुमार थोड़ा फ्री हुए तो वो अचानक फटाफट रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और अमिताभ बच्चन को ऑटोग्राफ नहीं मिल सके। अमिताभ बच्चन का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि इतने लंबे इंतजार के बाद जब एक फैन को उसके चहेते स्टार का ऑटोग्राफ नहीं मिलता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। वक्त बदला और जब अमिताभ बच्चन खुद एक सुपरस्टार बन गए, तब भी उनके जहन में, दिल में वो दिलीप कुमार वाला इंसिडेंट भुलाया नहीं गया। और उन्होंने अपने स्टारडम में हमेशा कोशिश की कि जितने फैंस उनके पास आए वो उन सबको ऑटोग्राफ दें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं। अपनी इसी आदत की वजह से आज भी वो अपनी शूटिंग्स में अपने जन्मदिन पर अपने फैंस से बड़े विनम्र होकर मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। अमिताभ बच्चन, शक्ति सामंत, जिन्होंने राजेश खन्ना को बहुत बड़ा स्टार बनाया, शक्ति सामंत को ही ये क्यों कहना पड़ा काका इज फिनिश्ड, जानेंगे ये किस्सा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर। बात तब की है जब राजेश खन्ना महबूबा की शूटिंग कर रहे थे, डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। ये वो वक्त भी था जब राजेश खन्ना का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा था, फिल्में फ्लॉप हो रही थी, करियर का नीचे जाना शुरू हो गया था। मगर इस सब के बावजूद शक्ति सामंत को ऐसा लग रहा था कि राजेश खन्ना का ये बुरा वक्त बस कुछ दिनों की बात है, जल्दी ही काका का सितारा दोबारा चमक उठेगा।
लेकिन महबूबा की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे शक्ति सामंत को यकीन हो गया कि अब राजेश खन्ना की वापसी मुश्किल है। इस फिल्म में एक लंबा सीक्वेंस था जिसे शक्ति सामंत एक साथ एक ही टेक में शूट करना चाहते थे। राजेश खन्ना ने सीन के जो दो तीन टेक दिए, शक्ति सामंत खुश नहीं थे उन टेक्स से। उन्होंने काका राजेश खन्ना से एक और टेक देने के लिए कहा। काका ने दब शक्ति सामंत की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादा इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको इंडिया में कोई नहीं देगा। शक्ति सामंत को यह सुनकर समझ में नहीं आया कि वो काका के इस स्टेटमेंट पर, इस ओवर कॉन्फिडेंस पर कैसे रिएक्ट करें। उस वक्त उन्होंने लंच ब्रेक अनाउंस किया और इसी ब्रेक के दौरान वो काका के पास गए और उनसे कहा, काका राजेश खन्ना इज फिनिश्ड, ही इज डेड। अब चौंकने की बारी राजेश खन्ना की थी। उन्होंने पूछा, क्यों? तब शक्ति सामंत बोले, अगर एक खराब टेक को, शॉट को एक्टर ग्रेट समझता है तो इसका मतलब है कि एक्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये बात उस एक्टर के खत्म होने की निशानी है। यू आर फिनिश्ड एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। फिल्म महबूबा के बाद शक्ति सामंत की बात सच होने लगी और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का सितारा धीरे धीरे डूबने लगा। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। वापस आकर याद करेंगे कॉमेडियन एक्टर राजेंद्र नाथ को। दिल ने फिर याद किया। मैं आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। एक्टर एंड कॉमेडियन राजेंद्र नाथ, पूरा नाम था राजेंद्र नाथ मल्होत्रा। इनका जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ रियासत में हुआ था। ये मध्य प्रदेश में है टीकमगढ़ रियासत। पिता उनके पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन विभाजन के पहले वो मध्य प्रदेश के एक शहर रीवा चले आए। राजेंद्र नाथ के पिता करतारनाथ रीवा में पुलिस अफसर थे। राजेंद्र नाथ की शुरुआती पढ़ाई लिखाई रीवा में ही हुई। घर में भाई बहनों की पूरी फुटबॉल टीम थी, 8 भाई और 4 बहन। एक्टर प्रेमनाथ सबसे बड़े थे। प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ दोनों पृथ्वीराज कपूर के फैन थे। प्रेमनाथ तो घर छोड़कर बंबई चले आए और पृथ्वी थिएटर के नाटकों में काम करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें फिल्मों में भी काम मिलने लगा और वो हो गए मशहूर। एक बार राजेंद्र नाथ छुट्टियों में भाई प्रेमनाथ के पास बंबई आए। वो बॉम्बे के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिला, लेकिन एक्टिंग का चस्का जरूर उन्हें लग गया और वो भी पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। भाई प्रेमनाथ और भाभी बीना राय के घर पर ही रहने लगे। फिल्मों में छोटे मोटे रोल तो मिल रहे थे, मगर कामयाबी अभी हाथ नहीं लगी थी। एक दिन कामयाबी की इसी उधेड़ बुन में भाई प्रेमनाथ ने स्वयं को हीरो और छोटे भाई राजेंद्र नाथ को साइड हीरो लेकर एक फिल्म बना डाली जिसका नाम था प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा या गोलकोंडा का कैदी। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई और फ्लॉप हो गई। संघर्ष जैसा था वैसा ही रहा और निरंतर जारी रहा। इधर राजेंद्र नाथ की बहन की शादी हो गई राज कपूर से, मगर शोमैन राज कपूर का साला होने के बावजूद राजेंद्र नाथ ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। राजेंद्र नाथ जी का मानना था कि कोई भी कनेक्शन आपको एक बार मदद कर सकता है, लेकिन अगर आप में स्वयं कोई क्षमता नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। वरना जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन सब के बेटे सुपरस्टार्स हो जाते। राजेंद्र नाथ जी को जीवन की पहली सफलता मिली नासिर हुसैन की फिल्म से जिसका टाइटल था दिल देके देखो। दिल देके देखो हिट हो गई।
रोल भी हिट हो गया और राजेंद्र नाथ भी हिट हो गए। इस फिल्म के 2 साल के बाद आई जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म में राजेंद्र नाथ ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उस रोल का नाम था पोपटलाल। ये कैरेक्टर इतना हिट हो गया, ऐसे लोगों के दिलों में समा गया, बस गया कि बाकी जिंदगी के लिए राजेंद्र नाथ पोपटलाल ही हो गए। इस फिल्म के बाद तो फिल्म इंडस्ट्री राजेंद्र नाथ के लिए फिल्मों में अलग से स्पेशल रोल लिखवाने लगी। राजेंद्र नाथ की फिल्मी गाड़ी चल पड़ी और खूब चली। राजेंद्र नाथ ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। जिन फिल्मों में राजेंद्र नाथ ने सराहनीय काम किया वो हैं तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, झुक गया आसमान, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, पूरब और पश्चिम इत्यादि। आखिरी चर्चित फिल्म जिसमें राजेंद्र जी ने काम किया वो थी 1995 की जय विक्रांता। राजेंद्र नाथ ने पॉपुलर टीवी सीरीज हम 5 में भी पोपटलाल के कैरेक्टर को निभाया। नेपाल की पहली प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड फिल्म मैती घर में भी राजेंद्र नाथ ने काम किया। इस फिल्म में माला सिन्हा और सुनील दत्त ने भी काम किया था, जस्ट फॉर ए गुडविल जेस्चर। 13 फरवरी 2008 को सारी दुनिया को हंसाने वाला ये हसमुख कलाकार दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से विदा हो गए। एक फिल्म के सेट पर विलन रंजीत को एक सांप ने काट लिया। यूनिट के लोग जब डॉक्टर को बुलाने पहुंचे तो डॉक्टर ने रणजीत का नाम सुनकर रणजीत का इलाज करने से मना कर दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। रणजीत फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने विलन रहे हैं। पर्दे पर निभाए बुरे और ईवल रोल्स की वजह से लोगों में यह धारणा आ गई कि रणजीत बहुत बुरे आदमी हैं। एक बार तो एक डॉक्टर तक ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। बात तब की है जब रणजीत जमानत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में एक सीन था जिसमें रणजीत को एक किंग कोबरा को अपने हाथ से पकड़ना था। इस सीन के लिए एक ऐसे सांप को लाया गया जिसका जहर पहले से ही निकाल दिया गया था। रंजीत पर्दे पर भले ही खूंखार दिखते हों मगर सांप से उन्हें भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मजबूरी में उन्हें असली सांप के साथ शूटिंग करनी ही पड़ी। जनाब सीन शुरू हो गया, मिस्टर सांप तो बढ़िया टेक दे रहे थे लेकिन रणजीत सांप से इतने नर्वस थे कि बार बार गलतियां कर रहे थे और एक शॉट में गलती से या घबराहट से जब उन्होंने सांप को थोड़ा जोर से पकड़ा तो सांप ने भी अपने रियल कैरेक्टर में आकर डंक मार दिया और रणजीत को काट लिया। रणजीत की हालत खराब हो गई, सेट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि सबको मालूम था कि सांप जहरीला नहीं है, फिर भी कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्रोडक्शन वाले डॉक्टर को बुलाने फटाफट पहुंचे और वहां मौजूद लेडी डॉक्टर को सेट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट की। लेडी डॉक्टर तैयार हो गई मगर लेडी डॉक्टर ने जैसे ही रणजीत द ग्रेट विलन का नाम सुना तो उसने चलने से इनकार कर दिया और इसका इलाज करने से साफ मुकर गई। उसने बिल्कुल क्लियर शब्दों में मना कर दिया और कहा कि वो इस तरह के बदचलन और बदमाश आदमी का इलाज नहीं करेगी। प्रोडक्शन टीम के लोगों ने लेडी डॉक्टर को बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। आखिर में जब उस लेडी डॉक्टर को उसके प्रोफेशन का वास्ता दिया गया तब जाकर वो विलेन रणजीत को देखने और इलाज करने को राजी हुई। इतना भारी पड़ गया था रणजीत को पर्दे पर विलन के रोल करना। लिसनर्स क्वेश्चन के सेगमेंट में आज दिल्ली से करण भसीन जी का सवाल। वो हमसे जानना चाहते हैं कि क्या एक्टर डैनी डेंगजोंगपा ने फिल्मों में गाने भी गाए हैं। भसीन साहब, जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमसे जुड़े रहें, सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के करण भसीन ने यह जानना चाहा है कि क्या एक्टर डैनी डेंगजोंगपा ने
एक्टिंग के साथ साथ प्लेबैक भी किया है? तो जवाब है जी हाँ, किया है भसीन साहब। डैनी ने कुछ फिल्मों में एज ए प्लेबैक सिंगर गाने गाए हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उस हिसाब से जो गीत डैनी ने गाए उनमें प्रमुख है 1972 की फिल्म ये गुलिस्ता हमारा का एक गीत जिसके बोल हैं मेरे पास आओ मेरा नाम जाओ। इसे डैनी ने लता मंगेशकर के साथ गाया है और ये गीत पिक्चराइज्ड है जॉनी वॉकर और जयश्री टी पर। 1975 की फिल्म काला सोना में भी उनका गाया एक गीत है, सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से। ये गाना डैनी ने आशा भोसले के साथ डुएट गाया है और पिक्चराइज्ड है स्वयं डैनी डेंगजोंगपा और फरीदा जलाल पर। 1979 की फिल्म लहू के दो रंग का गीत हमसे तुम मिले तुमसे हम मिले, इसमें डैनी ने चंद्राणी मुखर्जी के साथ डुएट गाया है। 1976 की फिल्म गुमराह का गीत आओ नीले गगन के बादलों में झूलें, डैनी ने इसमें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के साथ गीत गाया है। 1978 की फिल्म नया दौर का गीत मुझे दोस्तों तुम गले से लगा लो, इसमें डैनी ने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के साथ गाया है। इस फिल्म का एक और गीत पानी के बदले पी शराब, डैनी ने इसमें किशोर कुमार के साथ डुएट गाया है। गाना पिक्चराइज है खुद डैनी और ऋषि कपूर पर। ज़्यादातर जो गाने डैनी ने गाए हैं वो खुद उन पर ही पिक्चराइज हैं। इन गीतों के अलावा और भी कुछ गाने हैं जो डैनी ने गाए हैं, कुछ तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं, पर ये कुछ प्रोमिनेंट गाने थे जो हमारी रिसर्च टीम को मिले और मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपके पास कुछ और गीत हैं, लिस्ट है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे मेहरबान दोस्तों, ये सुहाना सफ़र 400 से भी ज़्यादा एपिसोड्स शोज पूरे कर चुका है। बड़ी कृपा, बड़ा आभारी हूँ, मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सबका। यही मोहब्बत, यही प्रेम देते रहें, प्रेम मिलता रहेगा तो 400 से 4000 एपिसोड होते देर नहीं लगती। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।